सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पॉपुलर रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 अपनी आखिरी दहलीज को पार कर चुका है। रविवार की रात में इस शो का ग्रैंड फिनाले हुआ। फाइनल राउंड में कुल 5 कंटेस्टेंट के बीच मुकाबला देखने को मिला, जिसमें रूपसा बात बयाल, तेजस वर्मा सहित सक्षम शर्मा, जयश्री गोगोई और गौरव सरवण शुमार थे। इस कड़े मुकाबले में सबको पीछे छोड़ते हुए कोलकाता की 6 वर्षीय रूपसा बात बयाल ने जीत का खिताब अपने नाम किया। वहीं और बाकी 4 सुपर किड्स ने स्टेज पर अपने डांसिंग टैलेंट का ऐसा आतंक मचाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। इसी बीच ग्रैंड फिनाले में अपने परफॉर्मेंस में सुपर गुरु अमरदीप अकेले ही नाचे। जी हाँ, दरअसल उनके सुपर किड गौरव फिनाले से पहले बीमार हो गए थे और गौरव फिनाले में परफॉर्म नहीं कर पाए। अमरदीप के डांस के बाद जब सभी ने उनसे अकेले नाचने पर सवाल पूछा, तब अमरदीप ने जवाब में अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद जजेस और वहां मौजूद मेहमानों ने गौरव को स्टेज पर बुलाया और गौरव स्टेज पर आते ही इमोशनल होते नजर आए। वहां बैठे डांसर राघव ने उनका मन रखने के लिए उनके साथ डांस किया। राघव कहते हैं कि इनकी तबीयत खराब होना एक बहाना है, इनकी तबीयत खराब होती है तो ये ज्यादा धमाल मचाते हैं। इसके बाद राघव और गौरव ने फिल्म बाजीराव मस्तानी के फेमस गाने दीवानी मस्तानी पर शानदार डांस किया। डांस के दौरान ही सभी जज वाह वाह करते नजर आए और परफॉर्मेंस में मूव्स से हैरान भी होते दिखे। दोनों ने अपने परफॉर्मेंस से समा ही बांध दिया। परफॉर्मेंस देखकर शो की जज गीता इमोशनल होती नजर आई और वहां मौजूद सभी ने खूब तारीफ की। दोनों का डांस देखकर शो के होस्ट मामा ने कहा, इसका सिर्फ शरीर ही बीमार है, डांस बिल्कुल बीमार नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।